जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर विधान सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई, प्रधान बिजला राम चौहान, आडेल प्रधान प्रतिनिधि नंगाराम बेनीवाल, जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु बालोत्रा, अंतराम विश्नोई, जिला सह प्रभारी अमराराम बेनीवाल, हरिराम चौधरी के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत किसान मंच द्वारा खेल प्रतियोगिता में दो दिनों से खिलाड़ियों एवं आने वाले दर्शकों को देसी बाजरे की राबड़ी बनाकर पिलाई गई। ऐसे में कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने भी राबड़ी पीकर आनंद लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खेल से हमें जीवन में कुछ सीखने को मिलने की बात कही। खेल पहले जमाने में थे, मगर उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सहारा नहीं मिलने के कारण खेल का महत्व कम हुआ है। अब खेल और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्य के लिए सांसद कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई ने कहा कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण तरीके से समापन हुआ, प्रतियोगिता में सभी का सहयोग रहा, ऐसे में सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे तथा कबड्डी, रस्साकसी, गोला फेंक, तस्करी फेंक, 100 मीटर से 400 मीटर दौड़ व मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाली टीमों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। गुड़ामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।